नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। इस खास प्रोग्राम में बात करें हम सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। बताते चले कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत तो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे और उसके बाद से उनके फैंस, उनका परिवार लगातार यहाँ पर न्याय की मांग कर रहा था। आखिरकार उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला, किसकी वजह से नहीं मिला, तो आज उसी को लेकर हमारा ये खास प्रोग्राम है कि आखिरकार यहाँ पर और भी ज्यादा बड़े बड़े खुलासे आ रहे हैं। खुलासे हुए हैं जिसमें ये पता चला कि सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। उसमें सबसे पहला नाम तो रिया चक्रवर्ती का आता ही है, क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ लिव इन में रही थी। फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम आता है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे का नाम आता है, जिसको पेंगुइन के नाम से बुलाया जा रहा था। फिर अब कहीं ना कहीं भाजपा भी इस बातों में घुसती नजर आ रही है, या फिर ये कहे कि यहाँ पर कुछ और नेता है जिनका नाम कभी सामने ही नहीं आया। तो हम इस वीडियो में आखिरी में आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं जो नेता केसरकर है उन्होंने कितने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को 2 साल से ज्यादा हो चुका है हमारे बीच में से गए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। अभी रिसेंटली ही खबरें सामने आई थी कि शायद कोर्ट अब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करवाने का आदेश दे सकता है, वहां पर गिरफ्तारी हो सकती है और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल जाएगा। लेकिन अभी ये मामला कहीं ना कहीं फिर ठंडा होता नजर आया, लेकिन अब इस बयान से ये मामला और ज्यादा गर्माता नजर आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये खबर पूरी आखिरी तक देखेंगे और आपके मन में जो सवाल होगा यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उसका भी जवाब जरूर मिल जाएगा। इसके साथ साथ बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब पिछले साल भाजपा के साथ सरकार बनाने को तैयार थे, लेकिन किसी कारण की वजह से नहीं बन पाए, जिसका खुलासा दीपक केसरकर ने किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल जून में दिल्ली में उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके पीछे की क्या सच्चाई है वो भी आपको इस वीडियो में सुनाई देगा कि किस तरीके से दीपक केसरकर ने कितने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये पूरा वीडियो, फिर अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये बताएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा या नहीं। किंवा 50 आमदारांचा प्रतिनिधी म्हणून मला असं वाटत नाही की जे तुम्ही करणार होता तुम्ही केलं तर ते योग्य आहे, आम्ही केलं तर ते अयोग्य आहे, हे सोडून द्या। जी काय सहानुभूती मिळवण्याचा आदित्य साहेब प्रयत्न करत आहेत, मग मुळात प्रकरणच त्यांच्यापासून सुरू झालं, त्यांच्या बदनामीपासून सुरू झालं आणि त्याच्यामध्ये आम्ही मनापासून त्यांच्यासाठी काम केलेलं आहे। त्यांनी आमच्याशी वागावं कसं हा त्यांचा प्रश्न आहे, आम्ही तसं त्यांच्याशी वागणार नाही, कारण ते ठाकरे कुटुंबियाचे सदस्य आहेत, त्याच्यामुळे आमची वागणूक नेहमी चांगलीच राहील। दुसरी हे सेम मी हिंदीमध्ये सांगतो कारण त्याची कंटिन्युटी जाते आणि मग त्याच्यातून चुकीचे अर्थ निघतात। जब आदित्य जी पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे थे, वो महाराष्ट्र में हो रहा था और ये इल्जाम करने में आज के जो वरिष्ठ नेता और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है नारायण राणे जी, प्लीज आप प्लीज सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये आरोप किए जा रहे थे, जैसे उनकी फैमिली व्यथित हुई उस तरह से हम सब लोग भी व्यथित हुए थे कि एक अच्छे कुटुंब से बिलोंग करने वाला एक युवा, उनकी पॉलिटिकल करियर खराब नहीं होनी चाहिए। और जब भी किसी युवा के बारे में ऐसी बातें कही जाती है तो उनके कुटुंब को कितनी पीड़ा होती है, इसके बारे में हम लोग बहुत व्यथित थे। और एक कार्यकर्ता के हिसाब से मैंने ऐसा कोशिश की कि देश के जो सर्वोच्च नेता है आदरणीय मोदी जी है, उनके पास अगर ये बातें पहुंच जाए तो ये बदनामी रुक सकती है। इसीलिए मैंने कोशिश की, मेरे जो भी करीबी लोग थे उनके थ्रू मैंने उनको अप्रोच किया और उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस उनसे मिल गया। और एक सही माने में कुटुंब का प्रमुख कैसे होता है उसकी मुझे जानकारी हो गई कि उन्होंने इस अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया। उनकी बातें भी हुई, उद्धव साहब से बातें हुई, बाद में उद्धव साहब खुद जाके उनको दिल्ली में मिले और इन बातों के दरमियान मैंने महसूस किया कि वो कितना आदर और सम्मान रखते हैं बाला साहब के बारे में, ठाकरे साहब के कुटुंब के साथ उनका कितना लगाव है, कितना प्रेम है, ये भी मैंने महसूस किया। और जब उनकी बातें हुई और उसके बाद जब हम लोग फिर से उद्धव साहब को मिले तो मुझे ये भी पता चला कि उनकी जो बातें हुई उन्होंने ये साफ कर दिया कि सीएम पद से ज्यादा उनके साथ उनके जो कौटुंबिक रिश्ते हैं वो उनके लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं,
इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद 15 दिन के बाद वो अपना इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जब हमारी बातचीत चल रही थी तो हमें भी ऐसा महसूस हुआ और उन्होंने जो बोला उस हिसाब से उनको अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी थी और इसके लिए उनको ज्यादा समय की जरूरत थी और ये समय होता रहा, बीच में उनकी बातें चलती रही। लेकिन इस सब में एक मुखिया की जो भूमिका रहती है, परिवार के मुखिया की जो भूमिका रहती है, वही आदरणीय मोदी जी की थी। उसमें कोई भी पॉलिटिक्स की बात नहीं थी। एक अच्छे फैमिली को अच्छी तरह से महाराष्ट्र में रहना चाहिए, राज करना चाहिए और आगे लेके आगे चल के जो एक हर पक्ष का एक एजेंडा रहता है, उनकी जो विचारधारा है वो कायम रहनी चाहिए, यही उनका भी उद्देश्य था। लेकिन ये बातों में बहुत सारा समय निकल गया। इस बीच में 12 लोगों का निलंबन हो गया महाराष्ट्र असेंबली में। तब भी बीजेपी से मैसेज आ गया था कि हमारी बातें चल रही है, हम लोग इकट्ठा आ रहे हैं, इसी वक्त ये निलंबन होना ठीक बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उसको सुना नहीं गया। फिर केंद्र का जो एक्सपांशन था कैबिनेट का, उसमें नारायण राणे जी को मंत्री बनाया गया और इस वजह से उद्धव साहब भी काफी उनको ठेस पहुंची और उन्होंने ये जो डायलॉग चल रहा था वो भी बंद हो गया। लेकिन बाद में एक ही बार मैं उद्धव साहब को मिल चुका हूं, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो हो गया वो हो गया, आगे इस बात को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उस दौरान मुझे कभी भी उनको मिलने का मौका नहीं मिला। मैंने करीब 6 महीने तक मैंने ट्राई किया, 4 महीने होंगे, 6 महीने होंगे मैंने ट्राई किया कि उनसे मिलके बातें कर ले और इस चीज को आगे लेके चले, लेकिन ये हो नहीं सका। और इस दौरान मैं एकनाथ शिंदे जी को मिलता रहा क्योंकि वो हमारे पार्टी में नंबर 2 थे और वो भी जब भी मैं उनको मिलता था वो उद्धव साहब को जाके मिलते थे और बोलते थे कि हमें बीजेपी के साथ अपना जो पुराना रिश्ता है उसको कायम रखना चाहिए। तो उसमें उनका स्वार्थ बिल्कुल ही नहीं था। मैं तो जो महसूस कर रहा था कि उनका स्वार्थ बिल्कुल नहीं था, वो जाके वो बात कर रहे थे। इसके वजह अलावा मैंने जो ज्येष्ठ नेता थे, जैसे अपने सुभाष देसाई साहब थे, अनिल देसाई साहब थे, उनके करीबी नार्वेकर जी थे, सबसे मैंने बात की थी और मुझे मालूम नहीं इसमें से कितने लोगों ने जाके उनसे ये बात की। लेकिन एकनाथ शिंदे जी बार बार ये बात उनको कहते रहे और उसके बावजूद भी जब ये नहीं हुआ और एकनाथ शिंदे जी चले गए, तो तब भी मैं मुंबई में था, तब मैंने मेरे जो करीबी लोग हैं उनको बोला कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, फिर भी आप जाके उद्धव साहब से मिलिए, उनसे उनका जो भी है, उनके मन में क्या है वो जान लीजिए और हमारी तरफ से उनको कुछ भी अगर सहयोग हो सकता है तो वो भी कीजिए। तब उनके ध्यान में जो बात आई उद्धव साहब के साथ बात करने के बाद, तो उनका ऐसे कहना था कि आप एकनाथ शिंदे जी को बाहर रख लीजिए और हम लोग जुड़ जाएंगे। तो ना तो बीजेपी के नेता इसके लिए एग्री होते, ना तो हमारे सब MLA इसके लिए एग्री होते, इसीलिए ये बात आगे नहीं चली। तो मेरा इतना ही सवाल है, अगर आप उनके साथ जुड़ने वाले थे तो आपको क्या आपत्ति है कि एकनाथ शिंदे जी उनके साथ जुड़ गए? आपको उनको आशीर्वाद देना चाहिए और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आपकी विचारधारा एक है और आपको इकट्ठा रहना चाहिए। ये महाराष्ट्र के हित में है, ये देश के हित में है, क्योंकि महाराष्ट्र को प्रगति का इंजन बोला जाता है भारत का। तो आगे जो भी हुआ आप सबको मालूम है कि आगे क्या हुआ, लेकिन जब भी बुरे शब्द यूज किए जाते हैं हम MLAs के खिलाफ, तो हमें भी बहुत बुरा लगता है कि हम शिवसेना के साथ हैं और शिवसेना के सिद्धांतों को लेके वो आगे चलेंगे। मंत्रिमंडल देखिए, आपने सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़े होंगे, उसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है सरकार के ऊपर, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट रहता है कि जब हियरिंग चलता हो तो कोई भी ऐसी चीजें नहीं हो जिससे गलत मैसेज जाए या तो डिसरिस्पेक्ट लगे। तो इसकी भी एक सरकार पे जिम्मेदारी रहती है कि योग्य आदर रखना, क्योंकि वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उनका आदर रखना चाहिए। मंत्रिमंडल होने में 2-3 दिन लेट भी लगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
एक रिस्पेक्ट रखना है, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है उसके बारे में रिस्पेक्ट रखना है, और वही रिस्पेक्ट हम लोग रखते आए हुए हैं। मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं, मैंने एक भी कमेंट नहीं किया है जो चल रहा है कोर्ट में, उसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया है। मैंने एक ही रिक्वेस्ट कल की थी कि जैसे भी ऑर्डर आती है उसी तरह से उसको लोगों के सामने लेके जाइए, क्योंकि ये राइटिंग में ऑर्डर रहती है, स्पीकिंग ऑर्डर रहती है, तो उसका वहां पे रिकॉर्डिंग चलता है और जो भी लॉ बुक्स है उसमें वर्ड टू वर्ड करेक्ट आ जाता है। तो ये वर्ड टू वर्ड जो करेक्ट डिसीजन है वही लोगों के सामने आना चाहिए, ना कि कुछ भी लोगों के सामने आना चाहिए जिससे लोगों में भी गलत फहमियां हो रही है। तो हमारे लिए भी एक हमारे जो सिद्धांत है उसके लिए ये लड़ाई है, तो हम लोगों को भी लगता है कि हमारे सिद्धांत जो है लोगों के सामने सही तरीके से जाए, और अगर वो आपके थ्रू ही जा सकते हैं, इसीलिए मैंने कल प्रेस ली थी और उसमें रिक्वेस्ट की थी कि जो लॉ के ये है जिसमें वर्ड टू वर्ड करेक्ट ये आ जाता है उसको आप फॉलो करें और उसकी आप न्यूज बनाए तो लोगों तक ये पहुंच सकता है। थैंक यू वेरी मच।